नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। जमुई राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के अवसर पर जिला युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन में कचहरी चौक तक पदयात्रा कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रोजगार का हक मांगा। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुनो युवा ललकार दो, बेरोजगार को रोजगार दो, डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, रोजगार दो या कुर्सी छोड़ो जैसे नारों के साथ सरकार को कोसते नजर आए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गुंजन भाई पटेल जी के आदेशानुसार आज पूरे बिहार में और पूरे भारत के हर एक ज़िले और हर एक कस्बे में सारे युवा साथी और यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं हमारे, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है और सरकार को यह सूचित किया जा रहा है कि आज का जो देश की जो हालत है बहुत ही गंभीर है और युवा काफ़ी बेरोज़गार हो चुके हैं और युवा अपना हक मांग रहे हैं कि हमें रोज़गार दो। अगर मोदी सरकार युवा को रोज़गार देने में असमर्थ अगर होती है तो युवा उन्हें ये वादा के साथ हम कहते हैं कि उन्हें बता देंगे कि इस बार आगामी चुनाव बिहार में और केंद्र में दोनों में उनको कुर्सी हर हाल में हर संभव में छोड़ना होगा। पूरे भारत का छात्र और युवा जाग चुके हैं और इस बार जुमलेबाजी अब नहीं चलेंगे और आज हमारा युवा कांग्रेस का जो मुख्य कार्यक्रम है कांग्रेस ऑफिस से लेके कचहरी चौक तक पद यात्रा करना है। मैं जिलाध्यक्ष पवन पासवान, युवा कांग्रेस जमुई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।